स्वर्ण जयंती वर्ष में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत एवं उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में राज्य विधिक सेवा के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर न्यायाधिपति माननीय विशाल धगट की उपस्थिति रही। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के राष्ट्रीय संगठन मंत्री दिनकर सवनीश की अध्यक्षता रही और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष प्रांत समिति के अध्यक्ष कैप्टन आलोक त्रिवेदी की उपस्थिति रही। उपाध्यक्ष अमित जैन, प्रशांत अवस्थी, हाईकोर्ट बार सचिव पारितोष त्रिवेदी एवं समस्त बार पदाधिकारियों की उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का थीम था सर्वमान्य ग्राहक को न्याय। इस विषय पर संपन्न सेमिनार में वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। विशेष रूप से न्यायाधिपति माननीय विशाल धगट ने एयर कनेक्टिविटी और एयरलाइंस में जिस तरीके से ग्राहकों से किराया वसूला जाता है उसको लेकर के अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि एयरलाइंस में जिस तरीके से डिमांड होती है उसी हिसाब से एयरलाइंस का किराया बढ़ जाता है और इस विषय पर भी काम किया जाना बाकी है, क्योंकि जिस व्यक्ति को जितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है उतनी ही इमरजेंसी में वो यात्रा करता है और ऐसी परिस्थिति में यदि ग्राहक से डिमांड के आधार पर किराया वसूला जाए तो निश्चित रूप से यह ग्राहक का शोषण है। अन्य वक्ताओं ने भी अपने ओजस्वी विचार रखे और आगे की चुनौतियों पर विचार प्रस्तुत किए। बहुत तैयार नहीं हूँ क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे हमने काम भी बहुत नहीं किया है, पर जो कुछ बातें यहाँ पे कही गई उसमें ज़रूर मैंने अपना विचार मंथन किया और ये पाया कि आज इन्होंने बड़ा अच्छा शब्द कहा है, सिस्टम करेक्टिव मूवमेंट। ये सिस्टम करेक्टिव मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। आज हमारा जो आयोजन था वो एक विशेष उद्देश्य को लेकर था कि गरीब को न्याय ये सस्ता सुलभ कैसे हो, इस विषय को लेकर था। कुछ काम चलता है लेकिन वो व्यवस्थित कैसे हो सकता है, कैसे हम अच्छी भूमिका निभा सकते हैं, इसको लेकर आज सेमिनार का आयोजन था और इसलिए हमने उस विषय पर यहाँ पर बातचीत भी की है और सिस्टम को करेक्ट करके और स्वाभाविक न्याय कैसे दिला सकते हैं हम लोगों को, इस पर भी हमने एक विचार विमर्श के लिए एक विषय रखा है यहाँ पर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें यहाँ जो बार एसोसिएशन है इसका भी हमको सहयोग अच्छा मिल रहा है और आगे हम अच्छा कुछ ग्राहकों के लिए कर सकते हैं इसमें से, इस विश्वास के साथ आज ये आयोजन हुआ है। सर, यहाँ पे GST पेट्रोल के बारे में भी आपने बोला GST में लाने के लिए ऐसा प्रस्ताव चल रहा है, क्या क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? वास्तव में GST के अंतर्गत अगर पेट्रोल डीजल को लाते हैं तो आज जो पेट्रोल डीजल की कीमत है उससे 25 से 30 रुपए सस्ता हो सकता है वो, लेकिन उसमें GST काउंसिल में दो बार विषय आने के बाद भी राज्य सरकारें उसका विरोध करती हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमें जो टैक्सेस मिलते हैं वो कम हो जाएंगे और फिर हम हमारी जो राज्य की आर्थिक व्यवस्था है वो बिगड़ सकती है। हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं उनसे बातचीत होने के बाद में उन्होंने ये कहा कि भाई हमने आश्वासन दिया कि आपको हम विशेष कुछ उसमें सहयोग करेंगे और ये अगर इसमें आता है तो सब लोगों को राहत मिल सकती है। दो बार विषय GST काउंसिल में आने के बाद भी राज्य सरकारों का अभी मन पूरा बना नहीं है, वो मन बने इसके लिए जनता को भी आवाज़ उठानी पड़ेगी और राज्य सरकारों का भी मन बनाना पड़ेगा कि आखिरी में जाकर और लोगों को राहत मिले, ये पहला उद्देश्य होना चाहिए। और इसलिए वो अगर मन बनाते हैं तो महंगाई पर नियंत्रण भी उससे आ सकता है। थैंक यू। सर, जैसा आपने कहा कि दवाइयों में काफ़ी ज़्यादा MRP होती है और वो काफ़ी सस्ती मिलती हैं, उसमें क्या संशोधन हो सकता है? उसमें ऐसा है ना, दवाइयाँ जो है कोई लग्जरी आइटम तो है नहीं, वो तो मजबूरी में लेना पड़ती है और इसलिए दवाओं पर MRP का कोई फार्मूला बनना चाहिए। वो फार्मूला जो बने वो लागत मूल्य के आधार पर बने। आज जो है वो कोई भी वस्तु की कीमत तय होती है वो मांग के आधार पर तय होती है कि उस वस्तु की मांग कितनी है। जैसे कोविड के समय हमने देखा कि रेमडेसिविर की बहुत मांग थी तो वो 2000 में भी बिका, 20000 में भी बिका और एक व्यक्ति तो ऐसे मिले हमें जिसने बोला कि मैंने 1,00,000 रुपये में भी लिया उसको। तो जब मांग बढ़ती है तो फिर उसकी कीमत जो है वो कीमत का कोई हिसाब नहीं रहता है, इस प्रकार का हो जाता है। और इसलिए कीमत अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के आधार पर है, उत्पादन मूल्य के आधार पर रहे, तो फिर जो समाज है उसको राहत मिल सकती है।
उसमें लूट की संभावना खत्म हो जाती है। आज कोई चीज़ है 10 रुपये में बनती है और वो 1000 रुपये में MRP लिखा हुआ है, अगर किसी ने 500 रुपये भी लिए हैं तो भी वो लूट रहा है, किसी ने 800 रुपये लिए तो भी लूट रहा है, लेकिन कानून कोई काम नहीं कर रहा है, क्योंकि कानून ये कहता है कि MRP के ऊपर आप नहीं बेच सकते हैं। लेकिन MRP लिखना कितनी, ये कोई फार्मूला ना होने के कारण से, कोई पॉलिसी ना होने के कारण से कितना भी MRP लिख देते हैं और उसके माध्यम से लूट का जो की व्यवस्था ये बनी हुई है, इसलिए ग्राहक को कभी भी धोखा हो सकता है इसमें, ऐसा हमारा कहना है। आज हमारे हाईकोर्ट बार में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत महासभा के माननीय संगठन मंत्री जी आए और हम सबको ग्राहक पंचायत महासभा के द्वारा किए जा रहे कार्यों से हमें अवगत कराया। आज हमको जानकारी मिली कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का जो लागू है, जो जिसके आधार पर देश के तमाम उपभोक्ता, गरीब से गरीब आदमी जब कोई चीज़ खरीदता है उसको गलत चीज़ मिल जाती है, उसको जो प्रोटेक्शन मिलता है बहुत कम समय में, वो ग्राहक पंचायत महासभा के द्वारा किए गए प्रयासों के आधार पर बनाया गया कानून। कितनी बड़ी बात है कि इसको आज तक हमें जानकारी ही नहीं थी कि ग्राहक पंचायत महासभा के द्वारा क्या प्रयास किया है। उसके अलावा और भी कई विषयों पर, जैसे बताया कि जो MRP रेट से अधिक रेट पर जो भी उलझलूल रेट डाल दिए जाते हैं और कुछ भी, इस पर भी कोई सरकारों के द्वारा कार्य किए जाने चाहिए, इस संबंध में ग्राहक पंचायत महासभा के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में भी आज हमारे द्वारा भी कई समस्याएँ रखी गई, उनके समक्ष जो गरीबों को, जो आज की तारीख में हम लोग कहते हैं कि साहब गरीबों के लिए न्यायालय नहीं है, आम आदमी गरीब आदमी की न्यायालय तक कोई पहुंच नहीं है, उसके संबंध में भी ग्राहक पंचायत महासभा कितनी तेजी के साथ लगी हुई है कि गरीबों और निर्धनों के लिए अच्छे से अच्छे वकील निःशुल्क उपलब्ध हो, और ग्राहक पंचायत महासभा के ही प्रयासों के आधार पर आज की तारीख में हमारे यहाँ पर जो है ना, हम देख रहे हैं कि साहब ये लीगल एड में जो पहले 2-3 हज़ार रुपये वकील को मिला करती थी फीस, उसमें कोई तैयार नहीं, आज की तारीख में बहुत अच्छी फीस सरकार निःशुल्क यानी बड़े अच्छे होशियार वकीलों को सरकार अपॉइंट कर रही है, उनकी अच्छी सैलरी दे रही है, और कई अच्छे वकील हमारे यहाँ पे लीगल एड में आके और गरीबों के लिए न्याय दिलवाने के लिए लगे, क्योंकि उनको फीस मिल रही है, पहले उनको जो 3 हज़ार मिलते आज 80 हज़ार 1 लाख रुपये सरकार दे रही है। आप जिनके पास कोई वकील नहीं है, कोर्ट उनको अपॉइंट करती है और वो लड़ते हैं। तो आज की तारीख में ऐसे बहुत से क्षेत्रों में ग्राहक पंचायत महासभा के द्वारा काम किए जा रहे हैं, जो बड़े प्रशंसनीय हैं, और हर क्षेत्र में आज हमारे द्वारा भी एक बहुत सी, हमारे माननीय न्यायाधिपति महोदय के द्वारा भी रखी गई है ग्राहक पंचायत महासभा के द्वारा, कि रेलवे में जो रहता है टिकट, पहले दिन लोग कुछ दिन पहले लोग 3 हज़ार, फिर 5 हज़ार, फिर 10 हज़ार, आखिरी दिन 15 हज़ार, तो ये एयर कनेक्टिविटी में ये बहुत महत्वपूर्ण विषय हमारे माननीय न्यायाधिपति महोदय के द्वारा ग्राहक पंचायत महासभा के समक्ष रखा गया। हम लोगों ने भी कहा था हमारे यहाँ बहुत बड़ा एयरपोर्ट हो गया, लेकिन हम ग्राहक लोग हैं तो हम लोगों को साहब एयरपोर्ट तो बहुत बड़ा बन गया, लेकिन हमारे लिए सुविधाएं नहीं मिल रही, साहब एयरपोर्ट तो हवाई जहाज तो एक ही तो है। इन विषयों को हमने भी रखा, आज हमें पता चला कि ग्राहक पंचायत महासभा क्या कर रही है, और हम बहुत आभारी हैं इस ग्राहक पंचायत महासभा के, और हमारा पूरा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े होने की संकल्पबद्ध है कि जब भी हमारी जहाँ भी कोई ग्राहक पंचायत महासभा को हमारे सहयोग की जरूरत होगी, हम ग्राहक पंचायत महासभा के साथ खड़े। आज माननीय न्यायाधिपति श्री धगट साहब, हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री दिनकर जी सबनीश, हमारे बार अध्यक्ष DK जैन साहब और बार के समस्त माननीय पदाधिकारी, समस्त अधिवक्ता सदस्य और अन्य विशिष्ट अतिथिगणों के सहयोग से और उनकी उपस्थिति से अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की महाकौशल प्रांत की इकाई द्वारा, स्टेट लीगल सर्विसेज एड द्वारा गरीबों को विधिक सहायता प्रदान करने के संबंध में और ग्राहक पंचायत के भूमिका, विभिन्न उनके आयाम, उसको सबके समक्ष प्रस्तुत करने में आज का आयोजन बहुत ही सफल और सराहनीय रहा। और आज माननीय न्यायाधिपति ने जो एयरलाइन में अचानक बहुत ज़्यादा दाम बढ़ाने को, जैसे जैसे समय सीमा नज़दीक आती है बढ़ाने जैसे मुद्दे को उठाया है, वह आर्थिक शोषण ही है, और ग्राहक पंचायत का जो मोटो है वो आर्थिक शोषण विनिर्मुक्त समाज, और न सिर्फ गरीबों और पिछड़ों के लिए जैसा कि स्टेट लीगल सर्विसेज राज्य सेवा प्राधिकरण के द्वारा होता है, बल्कि समाज के सभी वर्ग जो किसी न किसी कारण रूप से शोषित हुआ है, चाहे वो सेवा के माध्यम से, चाहे वो खरीदी क्रय विक्रय के माध्यम से, या अन्य किसी भी
शिक्षा में शुल्क को लेकर इन सब के प्रति ग्राहक पंचायत आवाज उठाने के लिए कटिबद्ध है और ग्राहक पंचायत के द्वारा सतत प्रयासों से महाकौशल इकाई से के द्वारा सतत प्रयासों से नशे के विरुद्ध अभियान में शासन ने आदेश दे दिया है। राज्य परिवहन निगम की बसें चलाने के लिए भी आदेश दे दिया है। इसलिए शासन का, सरकार का, हमारे समस्त सहयोगियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। इसी के साथ जय हिंद।